नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ एसएससी जीडी की 24,000, यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में 24,369 वैकेंसियाँ हैं, ओपन हैं। और एक बड़ी भर्ती, एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है, यहाँ नोटिफिकेशन है, 55 पेज का है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर आप आसानी के साथ रीड कर सकते हैं, उसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलने वाली है। और फ्रेंड्स, जानते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और ऑनलाइन फॉर्म विदाउट मिस्टेक के कैसे करना होता है। यहाँ एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिलने वाला है। सिंपली जिनका पहले से है वो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। यदि पासवर्ड नहीं है और पासवर्ड है तो अपना यूजर आईडी और यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि नए यूज़र हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको सिंपली क्लिक करना होता है। और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टिक करना होता है, अपना आधार नंबर को यहाँ सही से फिल करना है आपको। उसके बाद जो नाम आपके आधार कार्ड और मार्कशीट में सेम होना चाहिए वो यहाँ टाइप करना होता है आपको। उसके बाद फादर्स नेम को भी यहाँ फिल करना होता है आपको, जो भी आपके फादर्स का नेम है यहाँ नाम आपको नाम डालना है। इसी प्रकार यहाँ कंफर्म नेम आपको डालना होता है, ठीक है। ऐसे ही स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, माता का नाम भी फिल करना होता है। उसके बाद जो है आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ 18 से 23 एज है, और एससी और ओबीसी के लिए रिलेक्शन एज रिलेक्शन भी है, उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप अपनी फिल कर देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर देते हैं। फॉर्म को आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, बट फीस जो है कंप्यूटर से काटें जिससे फंसने का डर नहीं रहता। आपका जो भी बोर्ड है, सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, तो वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके रोल नंबर को सही से ही टाइप करना है। पासिंग ईयर जो भी आपने किया है, जिस वर्ष भी किया आपने पासिंग ईयर, टाइप कर देंगे। मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद लेवल आपका जो यहाँ जो एसएससी जीडी की 10th क्लास भर्ती है, एक बड़ी भर्ती है, बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसे ही गुड अपडेट पाने के लिए। तो सिंपली यहाँ आप जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने केवल हाई स्कूल ही किया है तो हाई स्कूल चूज़ कर सकते हैं। यदि आपने इंटर किया है तो आप इंटर भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, बट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10th रहने वाली है, ठीक है। तो मैं इंटर हूँ तो मैं इंटर से फिल कर देता हूँ। यदि आप हाई स्कूल, हाई स्कूल से फिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली यहाँ मोबाइल नंबर आपका डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है, और स्टेट जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव बटन पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद क्लोज करते हैं। अपनी ईमेल से, मोबाइल से आपको जो है अपना जो 4 अंकों का ओटीपी होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर जो है दोबारा से लॉगिन करना होता है। तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने जो ओटीपी 4 अंकों का मोबाइल पर आता है उससे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपका ओपन होता है, बट मैंने जो अपर साइड ऊपर का जो साइड है वो हमने हाइड कर रखा है। बट आप जब ओपन करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, वीडियो एक डेमो होता है और इसमें दिखाई गई चीज़ डेमो होती है, ठीक है। आपको अपना ओरिजिनल रोल नंबर, ओरिजिनल डिटेल, ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल सिग्नेचर बिना ओवर राइटिंग के अच्छे से गुड क्वालिटी में आपको लगाना होता है। वीडियो के माध्यम से आप अपने फॉर्म को विदाउट मिस्टेक के सीख सकते हैं। एसएससी जीडी एक बड़ी भर्ती है, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंपली हम यहाँ पेज के नीचे हिस्से में आ जाते हैं, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यदि कोई चीज़ हमें एडिट करनी है तो ऊपर के साइड में जो राइट साइड में एडिट का बटन होता है, वहाँ से आप एडिट को, रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। तो अब हम जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एडिट बटन है, ऐसे ही पेज के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था राइट साइड में। तो इसी प्रकार का चिन्ह होता है, यहाँ से आप किसी चीज़ को, बड़ी फॉर्म पहले से रजिस्ट्रेशन है बट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है वीडियो में फ्रेंड्स। यदि आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ एडिट बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं जो पहले से हैं। और जो नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके सामने ये पेज जो है ब्लैंक होगा, वहाँ उनको जो है अपनी कैटेगरी से को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद सिटीज ऑफ इंडिया और उसके बाद जो पहचान चिन्ह डालना होता है यहाँ पर। उसके बाद जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ फिल करना होता है। फिल करने के बाद एड्रेस, दोनों एड्रेस सेम हो तो यहाँ टिक कर देंगे, दोनों जगह एड्रेस आपका फिल हो जाता है। डिटेल को सेव करना होता है। सेव करने के बाद जो है नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होता है। यदि कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस प्रकार हम जो है फाइनली रजिस्ट्रेशन के स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको टिक करना होता है। टिक करने के बाद आप टिक प्रिंट ड्राफ्ट प्रिंट कर सकते, चेक कर सकते हैं, और नहीं तो फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ओटीपी का ऑप्शन आता है, ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, तो वो जो ओटीपी आपको फिल करनी होती है सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और हम अप्लाई बटन पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार हम जो है देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैप्स एसएसएफ राइफल मैन है, जीडी असम राइफल सीपॉय है,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 BSF कई प्रकार की इसमें कोरे शामिल हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हैं और एप्लीकेशन एंड डेट जो 30 नवंबर है इसकी 11 PM तक है। यहाँ देख सकते हैं अप्लाई बटन आ चुका है। यहाँ सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। फ्रेंड्स बड़ी वैकेंसी है, 24,369 वैकेंसियाँ हैं, केवल 10th क्लास वैकेंसी है। फ्रेंड्स पूर्ण तैयारी करिए, पढ़िए लिखिए अच्छे से और फॉर्म अच्छे से अप्लाई करिए विदाउट मिस्टेक। के फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो मैंने ऊपर की साइड कर दिया है और बचा हुआ भाग जो है नीचे है वो हम आपको समझा देते हैं किस प्रकार यहाँ करना होता है। वेदर आर यू एक्स सर्विस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो बटन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद ये कॉलम सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। यहाँ वीडियो में देख सकते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वेदर एज रिलैक्सेशन, यदि आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं OBC का ऑप्शन आ चुका है, ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट है। यदि SC होते तो SC का ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता, बट यहाँ एज रिलैक्सेशन पर्याप्त है तो हम यहाँ नो पर ही नो रखेंगे। उसके बाद यदि आपके पास NCC है तो ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स यहाँ पर NCC, और यदि नहीं है तो नो बटन का क्लिक रखें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है सेंटर आपको यहाँ फिल कर लेने होते हैं, जो भी सेंटर आपको चाहिए होता है। फर्स्ट सेंटर आप जैसे सेलेक्ट करते हैं दूसरा ओपन हो जाता है अपने आप, तीसरा अपने आप ओपन हो जाता है। आप तीनों सेंटर को फिल कर लेंगे। इस प्रकार जो है आपका तीनों सेंटर यहाँ फिल हो चुके हैं। देखिए आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं ये चीज़ विशेष ध्यान रखें, आप रजिस्ट्रेशन कुछ और भर रहे हैं यहाँ पे कुछ और स्टेट भर रहे हैं तो ये बड़ी समस्या आपके लिए सामने खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ स्टेट जो है सही से सिलेक्ट करें, जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वही स्टेट यहाँ पर आपको जो है फिल करना होता है। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जो आप जिस जहाँ भी निवास कर रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपकी, ये चीज़ जो रजिस्ट्रेशन में वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और बाद में फिर आप लोग कमेंट करते हैं सर ये दिक्कत वो दिक्कत, फिर ये समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी और आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक अच्छी वैकेंसी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने जो है राज्य परिवर्तन किया है तो यहाँ पर जो है आपको यस करना होगा और यहाँ पर भी यस करना होगा, इसके साथ ही साथ जो है आपको डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ चूज़ करनी होगी। अब बात आती है नक्सलवादी, तो यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का जिला एक बलरामपुर है, जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो है यस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ नो पर टिक कर दिया तो नो हो गया, यस पर टिक कर दिया यस हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए हम जैसे कोई जिला और चूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर ये भी आ रहा है नक्सलवादी में, और दुर्ग जैसे हमने चूज़ किया था यहाँ ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं ध्यान से माउस के बटन से यहाँ नो पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया है। तो यहाँ जो मिलिटेंसी है नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट यहाँ नो पर आ रहा है। अब यहाँ हम जैसे बलरामपुर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यस हो जाता है। तो ये एक राइट ऑप्शन है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और यहाँ दोनों जगह आपको टिक करना है, यदि आप जो है राज्य परिवर्तन आपने किया है तो राज्य परिवर्तन आपने किया है और आपने यदि सही से फिल नहीं किया है डिटेल को तो आप जनरल और EWS में जो है काउंट किए जाएंगे। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं वेदर वी वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजन, या आपने राज्य परिवर्तन किया और आपने यदि नो सिलेक्ट कर दिया है तो आप जनरल EWS में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपने राज्य परिवर्तन किया है तो आपको राज्य परिवर्तन यदि आपने किया है तो आपको यस करना है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको सही से चूज़ करनी है ऑटोमेटिकली जो है नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पर आ जाता है, जो कि मैं आपको कुछ देर पहले बता चुका हूँ। समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो जैसे मैंने राज्य परिवर्तन नहीं किया है तो मैंने यहाँ नो कर रखा है तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो है क्लोज हो जाएंगे। यहाँ जो है पोस्ट प्रेफरेंस दी गई है, यहाँ पर पोस्ट डिटेल को क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, CPOY और SSF। यहाँ कोड दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए मुझे BSF भरना है तो हम पहले ये चूज़ करेंगे, ये प्रेफरेंस हो गई। अब मान लीजिए हमको लेना है यहाँ पर CRPF लेना है, सी लेना है, तो हमको जो है यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सी ले लेंगे। इसी प्रकार जो है सारी प्रेफरेंस अगर फिल करेंगे आप तो ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई वैकेंसी जो है उसमें जो पोस्ट आपको मिल ही जाती है। फिलिंग अप ऑफ ऑल द पोस्ट प्रेफरेंस इज मैंडेटरी, सभी प्रेफरेंस को भरना ही है, अब तो आपने यहाँ पढ़ भी लिया है। तो इस प्रकार जो सारी आपको यहाँ फिल कर देना है ABCDEFGH तक, ठीक है। तो यहाँ जो है ABCD, तो यहाँ अपना फॉर्म को चेक करते हुए फ़ोटो सिग्नेचर आप देख सकते हैं 3.5-4.5 साइज़ का होना चाहिए फ़ोटो जो है, और सिग्नेचर जो 4.2 का साइज़ में होना चाहिए। यहाँ देखते हैं 27 जुलाई के बाद का फ़ोटो मांगा गया है और इस समय जो है आपका जो है अक्टूबर चल रहा है, तो कोशिश करें अक्टूबर महीने के ही फ़ोटो स्टूडियो से अपनी डेट डलवाएँ या कंप्यूटर से एडिट कर सकते हैं, अक्टूबर के महीने के ही डेट डालें जिससे कि फॉर्म में कोई समस्या ना हो। 27 जुलाई 22 के बाद यहाँ डेट मांगा गया है तो सिंपली यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे।
इस प्रकार यहाँ फोटो सिग्नेचर को जो है अपलोड कर दिया जाता है। कोई समस्या आ रही फोटो सिग्नेचर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो इसके लिए एक वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। सिंपली आपको कैप्चा फिल करना है और प्रीव्यू बटन पर आपको क्लिक करना होता है। पूरे प्रीव्यू को अच्छे से चेक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसके बाद जो है यदि कोई समस्या आ रही तो आइटम नोटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो फाइनली इसको जो सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद यदि आप OBC जनरल EWS से हैं तो आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यदि SC से हैं तो आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाता है और प्रिंट आउट कर सकते हैं। फीस की कोई आवश्यकता फीमेल और SC कैटेगरी के लिए नहीं होती है। यदि जनरल EWS से हैं तो सबमिट करते ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट गेट भी पहुँचेंगे। पेमेंट करने के बाद जो है लॉग आउट हो जाता है। लॉग आउट करने के बाद जो है आपको दोबारा से लॉग इन करना होता है। डबल वेरिफिकेशन मोड से आपको पेमेंट स्लिप पेमेंट स्टेटस निकालना होता है, उसके बाद अपना प्रिंट कर लेना होता है और स्टेटस भी चेक कर लेना होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं डबल वेरिफिकेशन मोड, जैसे ही पेमेंट करते हैं तो लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। डबल वेरिफिकेशन मोड से पेमेंट को सक्सेस करते हैं, उसके बाद जो है अपना प्रिंट कर लेते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस से अपना वेरिफिकेशन स्टेटस देख लेते हैं। पेमेंट रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, पेमेंट कट गया है, कोई समस्या आ रही है तो वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।